नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ चमेल पठान। आप जो रहा छो तीर समाचार। बात करीशु SSC GD कॉन्स्टेबल 2018 भर्ती प्रक्रियानी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी कॉन्स्टेबल 2018 केन्द्रनी भर्ती प्रक्रिया में त्रणेय चरण पास कर्या बाद पण ऑर्डर न अपाता छोटाउदेपुर जिलाना उम्मीदवारोए कलेक्टर ने आवेदन पत्र पाठव्यु छे। छोटाउदेपुर जिला कलेक्टर सुजल मयात्रा ने संबोधी ने हिंदी में लखेला आवेदन पत्र में त्रण मांग करवामां आवी छे। जेमां पहली मांग छे सभी मेडिकल अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द जॉइनिंग की जाए, दो पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए, तीन वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। माननीय SSC GD 2018 भर्ती की प्रक्रिया अभी तक समाप्त नहीं हुई, जिसे लगभग 3 साल होने को है। इस भर्ती में 60,210 वैकेंसी है और कुल लगभग 85,000 के करीब कैंडिडेट तीनों चरण पास कर चुके हैं, जिस कारण कट ऑफ होगी और लगभग 25,000 कैंडिडेट को भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। इस भर्ती को 3 साल हो गए हैं, जिस कारण बहुत से कैंडिडेट की आयु सीमा आने वाली भर्तियों के लिए अयोग्य हो चुकी है और हम सब लोग बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे सपने न टूटे, इसलिए हम सभी SSC GD 2018 के कैंडिडेट्स वैकेंसी बढ़ाने की मुहिम छेड़ रहे हैं, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स में लगभग 1,11,000 वैकेंसी खाली पड़ी है। उसकी जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय नित्यानंद राय के द्वारा गृह विभाग में अनाउंसमेंट किया था। इस मुद्दे को लेकर हम 12 नवंबर को हज़ारों युवा दिल्ली, रणवीर सिंह जो नेशनल कोऑर्डिनेटर कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पार्लियामेंट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव है, उनकी अगुवाई में दिल्ली राजघाट पे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि हमारी इस जंग में आप भी हमारा सपोर्ट करें और हमारी मांग पूरी करें। आपके सपोर्ट के आकांक्षी लगभग 70 जेटला उम्मीदवारोए सही करी अने आ हिंदी में लखेलू आवेदन पत्र सुप्रत करेल छे। त्यारे शू कही रहा छे आ उम्मीदवारो, आओ सांभळीए। अमारी मांग ए छे के सरकारश्री पासे 2018 नी SSC GD नी जे भर्ती पड़ी हती एमा मिनिमम 85,000 कैंडिडेट पास थया छे, तो एना 3 वर्ष पूर्ण थवा आया त्यां सुधी आज दिन सुधी एक एक कैंडिडेट ने नियुक्ति पत्र आपवामां आवेल नथी अने केन्द्र सरकारनी अंदर लगभग 1,11,000 जेटली खाली जग्या पड़ी छे तेम नित्यानंद राय मंत्रीए जणाव्यु छे। तो अमारा समग्र आ जेटला पण कैंडिडेट छे एमने जल्दथी जल्द नियुक्ति पत्र मळे एवी आप सरकार साहेब सरकारश्रीने अमारी विनंती छे अने अमारी मांगने पूरी करे एवी आशा राखीए छीए। अमે છેલ્લા 3 વર્ષથી આ ભરતીમાં પાસ થવા માટે અમે એક તો ગામડામાંથી આવવા અને અમારી પાસે કોઈ ગ્રાઉન્ડ કે દોડવા માટે અમારી પાસે કોઈ સુવિધા નથી। અમે રોડ રસ્તા ઉપર જાન જાનવરોના જોખમની અંદર અમે દોડની પ્રેક્ટિસ કરીને આ ભરતીમાં આટલી સુધી પહોંચ્યા છે, તો અમારી સરકારશ્રી સુધી આટલી જ રજૂઆત છે કે અમને આ ભરતીમાં અમને જલ્દથી જલ્દ જોઈનિંગ અપાવે અને નિયુક્તિપત્ર વહેલી તકે મળે એવી અમને શંકા છે કે જો આ ભરતી પ્રક્રિયા કદાચ અમને આમાં રદ થાય કાં તો લેટ થાય તો અમારી એજ પૂરી થઈ જાય। ઘણા કેન્ડિડેટ, ઘણા ઉમેદવાર એવા છે કે જેમની એજ પણ પૂરી થવાની છે, તો આગલી ભરતીમાં એમને કોઈ ચાન્સ નથી। તો અમારી સરકાર સાથે એટલી જ માંગ છે કે આવી રીતે અમારો આ યુવા સંગઠનોની અંદર અમે એક થઈને સરકારને અમે કોઈ સુલે શાંતિનો ભંગ કરવા નથી માંગતા, પણ અમે અમારી માંગને રજૂ કરીએ છીએ। તો આપ સાહેબશ્રીને અમારી એટલી વિનંતી છે કે અમારી માંગ સરકારશ્રી સુધી પહોંચાડો અને અમારી માંગને પૂર્ણ કરો। નામ તમારું? મારું નામ કેન્ડિડેટ રાઠવા રાજુભાઈ કાનજીભાઈ। છોટાઉદેપુર સહિત દેશ દુનિયાના સમાચાર જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો તીર સમાચાર અને બેલ આઇકોન જરૂર દબાવો।